नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी शनिवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। लंबे समय से कोरोना वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहे आमजन के लिए शनिवार का दिन राहत भरा रहा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में टीकाकरण की शुरुआत की। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत व जिला कलेक्टर महावीर वर्मा और CMHO गिरधारी लाल मेहरडा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सादुल शहर की CSC की स्वास्थ्य सुविधाओं की और कोरोना वैक्सीन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी ली। कोविड वैक्सीन की पहली डोज जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गिरधारी मेहरडा को लगाएगी। विधायक जांगिर ने कहा कि पहली डोज लगाए जाने के बाद 28 दिनों के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में विधायक राजकुमार गौड़, PMO डॉक्टर बलदेव सिंह और अन्य डॉक्टरों की मौजूदगी में टीकाकरण शुरू किया गया। सर्वप्रथम उपनियंत्रक डॉक्टर प्रेम बजाज के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान आज शनिवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। सलमान के अधिवक्ता ने सलमान की हाजिरी माफी लगाई। कोरोना के चलते यह हाजिरी माफी की अर्जी लगाएगी। कोर्ट ने सलमान खान की हाजिरी माफी को स्वीकार कर लिया। अब 6 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। सलमान खान को 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। बता दें कि पहले भी लगातार 16 बार हाजिरी माफी ले चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सलमान ने अपील लगाई थी। अपील पर आज शनिवार को DJ ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई होनी थी। चुरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के पिलानी राजगढ़ मार्ग पर मौजा हरपालू बस स्टैंड के पास एक जीप की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक जीप लेकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक एक ही गांव के थे। इनमें 2 रिश्ते में भाई लगते थे। फरार हुई जीप का भी पुलिस ने पता लगा लिया है। उसको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे में मोनू नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी अंकित और कपिल मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा का परिणाम आज शनिवार को जारी किया। कुल 7,810 पदों के लिए यह परीक्षा परिणाम जारी किया गया। कुल पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। मिशन निदेशक NHM नरेश ठकराल ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले सप्ताह से दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू होगा। करीब 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने CHO भर्ती परीक्षा दी थी। यह भर्ती परीक्षा 6,310 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने 1,500 और पदों के लिए स्वीकृति दी थी। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र के गांव छानी बड़ी में एक महिला का शव अपने घर में फांसी पर लटकते हुए मिलने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला के भाई ने मृतका के पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय महिला सुमन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसका शव घर में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला था। मृतका के भाई मोनू निवासी हिसार ने दहेज के लिए सुमन की हत्या के आरोप में ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ ADG पोक्सो कोर्ट 2 ने न्यायाधीश ने 3 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जानकीलाल लोधा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। जानकारी के अनुसार मनोहर थाना क्षेत्र में चांदपुरा गांव में 10 अक्टूबर 2018 को मासूम से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। मामले में आरोपी जानकीलाल लोधा को ADJ पोक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश अनिश दाजिश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में भादरा मार्ग पर एक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक टक्कर मारने वाला वाहन फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि मल्लरखेड़ा निवासी सुभाष चंद्र ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसका भतीजा 19 वर्षीय संजय कुमार मोटरसाइकिल लेकर अपने गाँव की ओर जा रहा था। उसी दौरान बाइक के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में संजय कुमार की मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
कोरोना काल के करीब 9 माह बीतने के बाद सोमवार से जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं फिर आबाद हो जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर 18 जनवरी से खुलने वाले स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने से पहले 16 जनवरी को प्रत्येक सरकारी स्कूल में पीटीएम करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत आज स्कूलों में पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावक जोश के साथ स्कूल पहुंचे। बैठक में कोरोना गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। ब्लू बर्ड्स स्कूल और एसटी गर्ल्स स्कूल में आज शनिवार को बच्चों से पहले अभिभावक स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की जानकारी और व्यवस्थाएं देखने पहुंचे। हनुमानगढ़ जिले के महिला थाना में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि वह 2 माह पहले जंक्शन के मुख्य बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में चांदी की अंगूठी खरीदने गई थी। उसी दौरान दुकान पर कार्य करने वाले अजय कुमार नामक युवक से पहचान हो गई थी। अजय ने 15 जनवरी को फोन कर अपने कमरे पर बुलवा लिया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो बना ली थी। पुलिस ने बताया कि अजय सिरसा जिले का रहने वाला है, पुलिस की जांच कर रही है। जालौर जिले के भीनवाल में उप कारागृह के बाहर फायरिंग कर कैदी को छुड़ाने की जानकारी सामने आई है, हालांकि बदमाश इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने पहले उप कारागृह के पास लगे ट्रांसफार्मर से बिजली बंद की। संतरी के पूछने पर बदमाश और संतरी के बीच झड़प हुई, फिर संतरी को बदमाश ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान संतरी के बंदूक से गोली चल गई, इससे बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। श्री गंगानगर में भूखंड बेचकर धोखाधड़ी करने के आरोप में कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जवाहरनगर थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए कुंज विहार निवासी भागीराम ने हनुमानगढ़ रोड पर कॉलोनी काटने वाले सुभाष गोदारा, राकेश कुमार व अन्य पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया है कि इन लोगों ने उससे 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। मुकदमे की जाँच SI आदेश कुमार द्वारा की जा रही है। अलवर जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक नाबालिग 7 जनवरी से घर से लापता था। नाबालिग का शव थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मिला है। मृतक के पिता अपाहिज है। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।